हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे व्यू डेटा। बेसिकली व्यू डेटा क्या होता है, इसके पहले वीडियो में हमने देखा था व्यू बैग। आज देखेंगे व्यू डेटा। तो व्यू डेटा इज यूज टू पास डेटा फ्रॉम कंट्रोलर एक्शन मेथड टू व्यू। बेसिकली कंट्रोलर टू व्यू कोई भी डेटा आपको पास करना है तो आप व्यू डेटा भी यूज कर सकते हो। व्यू डाटा इज वर्क ऑन प्रिंसिपल की वैल्यू पेयर। बेसिकली ये किस पर वर्क करता है, की वैल्यू पेयर पर। दिस टाइप ऑफ बाइंडिंग इज ऑल्सो नोन एज लूजली बाइंडिंग। दिस टाइप ऑफ बाइंडिंग को क्या कहा जाता है, लूजली बाइंडिंग। वी कैन पास एनी टाइप ऑफ डेटा इन व्यू डेटा लाइक नॉर्मल। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, व्यू डेटा में नॉर्मल इंटीजर पास कर सकते हो, स्ट्रिंग पास कर सकते हो, इवन थ्रू यू कैन पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो। व्यू डाटा यूज द व्यू डिक्शनरी टाइप। बेसिकली क्या यूज करता है, व्यू डिक्शनरी टाइप यूज करता है। व्यू डेटा लाइफ ओनली लास्ट ड्यूरिंग करंट एच टी टी पी रिक्वेस्ट। व्यू डेटा वैल्यू विल बी क्लियर इफ रीडायरेक्ट अकर। बेसिकली क्या होता है, रीडायरेक्ट होता है तो व्यू बैग हमारा क्या होता है, क्लियर हो जाता है। बेसिकली उसी पार्टिकुलर व्यू के ऊपर ही दिखेगा। व्यू डाटा वैल्यू मस्ट बी टाइप कास्ट। व्यू डाटा वैल्यू को क्या करते हैं, टाइप कास्ट करते हैं, जबकि हमारा व्यू बैग को क्या कर देते हैं, टाइप कास्ट नहीं कर देते। एन अप्रोप्रिएट टाइप बिफोर यूजिंग इट। बेसिकली यूज करने से पहले उसको हम टाइप कास्ट करते हैं। व्यू बैग इनिशियली इंसर्ट डेटा इन टू व्यू डेटा डिक्शनरी, सो की ऑफ व्यू डेटा एंड प्रॉपर्टी व्यू बैग मस्ट नॉट बी मैच। बेसिकली ठीक है, तो हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के ऊपर। तो विजुअल स्टूडियो पर हमारा पास जो कहा था, ये व्यू बैक का हमारा पुराना वाला पड़ा हुआ है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इतने पार्ट को कमेंट कर देता हूँ, मेरे पास पड़ा रहेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर, यहाँ नीचे मैं आता हूँ और यहाँ से मैं बनाना शुरू करता हूँ। जैसे कि हमारा क्या था, जब नेम लिए हुए थे तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, व्यू डेटा, और इसमें क्या करना होता है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट देना है आपको डबल कोट के अंदर। इसमें आपको नेम को पास करना है और देन आपको क्या करना है, इक्वल टू डबल कोट लगाना है और देन आपको क्या करना है, यहाँ पर नेम को सप्लाई कर देना। यहाँ मैं पुराना वाला ये रखता हूँ सेम, और यहाँ पर मैं इसको सप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब इस चीज को रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। यहाँ आते हैं पेज के ऊपर, यहाँ पर इसको रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा कुछ नहीं, यहाँ पर H1 लेते देते हैं एक, और उस चीज को अगर रीड करना है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेम मुझे इस चीज को, इसकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, व्यू डाटा को यहाँ पर एज इट इज ब्लैक रख देंगे। साथ में क्या लगाना है, एट द रेट लगाना है, फिर हमारा क्या होगा, ये डेटा रीड हो जाएगा। अगर चेक करना है तो इसको रन करके हम चेक करते हैं। इसको मैं रन किया हूँ और देन हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। फिर देखो आप नेम में क्या आ गया, आ गया। ठीक है, अब चाहे तो हम यहाँ पर उसी तरह से, अगर मुझे न्यूमेरिक कोई वैल्यू भेजनी है तो इसी तरह से मैं यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू भी कोई भेज सकता हूँ। क्या था हमारा, एज था, तो मैं यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू भी इसके अंदर भेज सकता हूँ। अगर इसको इसको भी अगर आपको डिस्प्ले कराना है यहाँ पर व्यू के ऊपर, तो इंडेक्स के ऊपर आएंगे और यहाँ पर मैं करता हूँ H2 और यहाँ पर एज एट द रेट और यहाँ पर क्या करेंगे, व्यू डेटा एज। जस्ट लाइक व्यू बैग की तरह ही यूज हो रहा है, लेकिन इसमें बस लिखने का तरीका क्या है हमारा, थोड़ा डिफरेंट है। ये देखोगे आप, यहाँ पर एज भी डिस्प्ले हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपको लिस्ट दिखाना है तो लिस्ट दिखाने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली तो लिस्ट बनाना पड़ेगा। बेसिकली तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ, व्यू डेटा डॉट नेम लिस्ट, और इसमें मैं क्या करता हूँ, नेम लिस्ट को, नेम लिस्ट में यहाँ पर मैं सप्लाई कर देता हूँ। लेकिन ये नेम लिस्ट क्या हुआ, व्यू बैग हो गया, ये व्यू डेटा किस तरह लिखते हैं, बड़ा ब्रैकेट और डबल कोट लगा के हम लिखते हैं। ये क्या हुआ, नेम लिस्ट मेरा तैयार हो गया। अब इसको यूज करना है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा वहां पर।
वेरिएबल आइटम व्यू डेटा और नेम लिस्ट को मैं ले लिया, लेकिन ये क्या कह रहा है आप यहाँ पर ले जाएगा तो यहाँ पर बेसिकली क्या कहेगा, फोर इस स्टेटमेंट कैन बी ऑपरेट ऑब्जेक्ट डज नॉट कंटेन, बेसिकली इसको क्या करना है यहाँ पर मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा किस टाइप से, आप देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है मेरा स्ट्रिंग और यहाँ पर ये एरे का सिम्बॉल, ये क्या हुआ टाइप कास्ट हो गया, बेसिकली हमको इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। और इसमें मैं क्या करता हूँ एच फोर ले लेता हूँ और देन इसके अंदर मैं क्या करता हूँ आइटम्स को दिखा देता हूँ एट द रेट आइटम। अब मैं इसको रन करूँ तो क्या करेगा इन सबको हमको स्ट्रेट करता हुआ दिखा देगा बेसिकली। तो यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ और चेक करते हैं इसको, आई थिंक मैं यहाँ पर थोड़ा सा गलत बनाया हूँ, यहाँ पर ये जो लिस्ट नहीं होगा यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रिंग टाइप का मैं यहाँ लूंगा और इसको ब्रैकेट ओपन और क्लोज। अब मैं इसको रन करूंगा तो हमको दिखाएगा प्रॉपर, क्योंकि मैं पीछे वाले से कॉपी कर लिया था इस चीज़ को, ये देखो आ गया मेरे पास। इस तरह से हम क्या करते हैं व्यू डेटा बनाते हैं, लेकिन इसमें आपको एज इट इज ये हमारे सारे सेम ही होंगे, बस डिफरेंस क्या होगा बेसिकली हम उसको लिखने का, ये अगर इसको यूज करना है तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से लेके आता हूँ, सिंपल सा ये लिस्ट है मेरा तो ये लिस्ट यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ इसको अनकमेंट, और देन मैं क्या करता हूँ इस लिस्ट को अगर मुझे यूज करना है इसके अंदर तो क्या करूँगा, बस सिंपल है बेसिकली यहाँ से स्टूडेंट लिस्ट को यहाँ से उठाऊंगा और इसको मैं क्या करूँगा ब्रैकेट के अंदर दूंगा स्टूडेंट लिस्ट को। तो ये हमारा क्या हुआ व्यू डेटा हो गया बेसिकली कुछ इस तरह से। अब इसको यूज करना है तो बस सिंपल वही सेम तरीका हमारा, यहाँ पर वेरिएबल वही डिफाइन करेंगे, यहाँ आता हूँ मैं इस वेरिएबल डिफाइन ही कर लेता हूँ एट द रेट वेरिएबल स्टूडेंट इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे टाइप कास्ट करेंगे यहाँ पर कैसे वेरिएबल स्टूडेंट इक्वल टू यहाँ पर स्टूडेंट टाइप से मैं इसको टाइप कास्ट करूँगा स्टी स्टूडेंट हमारा है तो स्टूडेंट से मैं क्या किया टाइप कास्ट किया और देन क्या किया मैं यहाँ से स्टूडेंट लिस्ट को उठाया और यहाँ डाल दिया। ये हमारा क्या हुआ इस वेरिएबल स्टूडेंट में क्या मिल गया डेटा मिल गया। अब देन मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको डिस्प्ले करा लूँगा सिंपल सा उसी तरह से, यहाँ से मैं इसको चीजों को मैं दिखा दूंगा बस स्टूडेंट डॉट आई डी स्टूडेंट डॉट नेम स्टूडेंट डॉट एड्रेस। अगर मैं इसको रन करूं तो हमारा क्या होगा ये हमारा ये तीनों डेटा यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। ये होता है व्यू वेब। अब इसमें एक और चीज होता है कि व्यू डेटा है हमारे पास नेम, अगर मैं यहाँ व्यू बैग यूज करता हूँ देखे ना व्यू बैग और डॉट इसका भी प्रॉपर्टीज का नाम मैं क्या करता हूँ सेम रखता हूँ, जो की वैल्यू है इसमें क्या नेम है इसका भी की वैल्यू का नाम मैं नेम दे देता हूँ और यहाँ पर मैं डबल कोट के अंदर क्या करता हूँ राजेश कुमार प्रसाद कर देता हूँ, ठीक है। अगर अब मैं इसको रन करूँ अब देखना क्या होगा, अब इसको मैं रन करूँ तो क्या होगा अगर अब मैं इसको रन करूं तो हमको लास्ट वाला वैल्यू है राजेश कुमार प्रसाद, बेसिकली क्या कर दे व्यू डेटा में मेरा डेटा व्यू बैग में है और मैं व्यू डेटा के थ्रू भी उसको रीड कर रहा हूं बेसिकली लास्ट वाले वैल्यू को, बेसिकली क्या हो जाए नेम हमारा की वैल्यू का जो नेम है वो सेम नहीं होना चाहिए व्यू डेटा और व्यू बैग में, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है व्यू डेटा होता है डॉट नेट कोड के